ओके देन हेलो ऑप्शन बायर्स। सो डे आज मंडे है 28 अगस्त। एक पुट का ट्रेड लिया है वो भी हाई में, और यहाँ में रेजिस्टेंस तो एक छोटा मोटा लेना ही चाहिए। बाकी रही बात बैंक की, तो अगर बैंक HDFC और ICICI साथ में आते हैं तो बैंक निफ्टी को दिक्कत होने वाली है जो भी सेलर्स हैं। ठीक है, बाकी हम लोग बात करेंगे अभी ट्रेड के पीछे के लॉजिक की। ठीक है, छोटा मोटा ट्रेड लिया हम लोगों ने तो ज़्यादा टेंशन नहीं है हमें। बाकी एक हैमर कैंडल डेली चार्ट में है। ओके, हम लोग ट्रेड कर रहे हैं इस रेंज के ऊपर यहाँ में, और यहाँ में थोड़ा टाइम बीताता है तो सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो सकती है। तो बैंक्स हमको कॉन्फिडेंट दे रही हैं। ठीक है, जो HDFC बैंक है इसने थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट दिया है हम लोगों को। सिर्फ HDFC बैंक भी थोड़ा पॉइंट करेक्ट हो जाए ना, यहाँ से अगर पकड़ेंगे तो एक, हाँ तो HDFC थोड़ा सा करेक्ट हो जाए और ICICI भी थोड़ा सा करेक्ट हो जाए। ICICI करेक्ट नहीं होगा तो यहाँ से लगता है अपने को एग्जिट लेना पड़ेगा। ठीक है, पोजीशन इधर में चल रही है। ट्रेड में जब कॉन्फिडेंट नहीं हो और मार्केट रेंज में हो तो हम लोग ट्रेड में रुकते नहीं है। ठीक है, डेली चार्ट देख लेते हैं ICICI बैंक का। ओके, ये सब उड़ा देते हैं डेली चार्ट। ठीक है, ICICI बैंक का पोटेंशियल है नीचे की ओर आने की, लेकिन ये जो 5 मिनट का चार्ट है ना, ICICI बैंक ऊपर की भी हमें इंट्राडे में बायर्स ही हमें आ सकते हैं अगर ये ऊपर का लेवल निकलता है। और यहाँ में HDFC बैंक अपने सपोर्ट में आता हुआ और अपना जो ट्रेड है वो थोड़ा बहुत मोमेंटम देता हुआ, अच्छी बात है। ICICI बैंक ट्रेड ख़राब कर रहा है अपना, अगर ICICI सपोर्ट देता है ना तो ट्रेड अपना ख़त्म। बैंक निफ्टी को ही देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो 5 मिनट का चार्ट में बैंक निफ्टी इंडेक्स, ओके ओके, 309 में ट्रेड कर रहा है। हमें थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेके यहाँ में रेंज नहीं बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ से थोड़ा नीचे आना चाहिए, ये जो 270 का लेवल था वो दिखाना चाहिए और वहाँ में रेंज बनाना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ में रुकेंगे। बाकी रेंज वाइज मार्केट है तो हम लोग ज़्यादा प्लान नहीं करेंगे अभी। ठीक है, बस ऐसे ही मज़े के लिए ट्रेड लिया था। तो ठीक है, तो HDFC बैंक फिर से सपोर्ट देता हुआ जो कि नहीं देना चाहिए, और ICICI बैंक अभी देखना, यहाँ में कुछ बड़ी क्वांटिटी यहाँ में ऐड हो सकती है। ICICI बैंक में मैक्सिमम टाइम्स ऐसा ही होते हैं, जो भी लोग यहाँ में बायर्स हैं स्मॉल रिटेल बायर्स बड़ी क्वांटिटी से, उनका SL खाएगा यहाँ में। SL खाने के बाद ये दिखाएगा अपना ज़्यादा। ठीक है, हमको इस ट्रेड में रुकना ही नहीं है, समझ लो कि हम लोग मोमेंटम कैच करने आए थे, कोई बड़ा प्लान नहीं था इस ट्रेड में। अभी हम लोग देखेंगे ICICI बैंक का जो चार्ट है उसको देखेंगे, जब बिलीव ना हो ट्रेड में तो मैं रुकता नहीं ट्रेड में खास करके, तो ये मेरा रूल है। अभी लंबा लंबा अगर हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे ना तो कंफर्मेशन मिलना चाहिए तभी प्लान करेंगे। ठीक है, ICICI बैंक ने धोखा नहीं दिया, मुझे लगा था ICICI बैंक हमको धोखा दे देगा और ट्रेड ख़राब करेगा। और प्रीमियम हम लोगों ने एग्जिट किया था, देखो प्रीमियम इंक्रीज ही नहीं हो रहा, देख लो। तो ऐसे मार्केट में ऑप्शन बायर की ऐसी लगती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यूट्यूब में अगर हम लोग देख लेंगे जाके, रुको, ठीक है, वीडियोस देख लो, मैं ओल्डेस्ट वीडियो देखना चाहता हूँ, रुको। ठीक है, ओल्डेस्ट में जाके हम लोग देखते हैं, ये देख लो, ये जनवरी मंथ का 2022 का ये मंथली एक्सपायरी है। हम लोगों ने अच्छे से ट्रेड किया था क्योंकि मोमेंटम था, जब जब मोमेंटम नहीं होता है तो हम लोग की लग जाती है। कहाँ गया एक, यही जो रेंज देख रहे हो,
तो हमारी एनालिसिस ट्रेडर्स बिल्कुल सही थी, ठीक है। यहाँ में एक रिजेक्शन या फिर कुछ भी कह लो, प्रॉफिट बुकिंग आना ही था। और आने के बाद 270, ये जो पिछला रेंज था, इस रेंज में आने के बाद थोड़ा रुकेगा। रुकने के बाद क्या करेगा वो इम्पोर्टेंट होगा। बाकी प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम देखो कुछ नहीं इंक्रीज़ हो रहा है। हम लोगों ने सेल किया था 129 में, अभी देखो मूवमेंट कितना मिल चुका है। हम लोगों ने सेल किया था ऊपर में, अभी ये नीचे ट्रेड हो रहा है, फिर भी प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। तो ऑप्शंस ऑप्शंस आप लोग समझ नहीं पाओगे, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी कि ऑप्शंस कैसे काम करती हैं। तो ये हम लोगों का फर्स्ट ट्रेड था मॉर्निंग का। कुछ भी कहो, हम लोगों ने कैपिटल जितना यूज़ किया उसके हिसाब से नॉट बैड, ठीक है। तो आज ये जो लाइव है, ये शायद सबसे छोटे टाइम फ्रेम का लाइव वीडियो है जो भी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है। इसमें अभी ट्रेड ट्रेड मतलब यहाँ में लिया था क्योंकि कंफर्मेशन एक था कि यहाँ में एक रिजेक्शन आएगा ही आएगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड भी डाउन है। और उसके बाद जैसे तैसे बायर्स इसको ऊपर की ओर ले गए, तो ठीक है। अभी आगे क्या करता है इंडेक्स, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं। बाकी ऐसे रेंज में तो मैं ट्रैप होने बिल्कुल नहीं जाऊंगा, ठीक है। उससे अच्छा है आप बाहर जाओ, चाय वाय पी लो, कुछ भी करना है कर लो, ट्रेड मत करो ऐसे रेंज में। सो अभी कभी 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 क्या होता है वॉलेटाइल मार्केट में, ऐसे डायरेक्ट भी चला जाएगा तो वहाँ में हम लोग को ट्रेड लेना नहीं है, क्योंकि वहाँ से फिर से जो पुल बैक आएगा उसको हम लोग सह नहीं पाएंगे। बड़ा प्लान करेंगे, रुको, मंथली एक्सपायरी भी आ रहा है तो अच्छा सा सेटअप बनेगा, तो हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है। बाकी यही सारा ट्रेड डिटेल्स था आज का, मंडे 28 अगस्त। पीएनएल मैं दिखाने नहीं वाला, मंथली पीएनएल हम लोग देखेंगे, कुछ भी होगा मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो यही सारा वीडियो था। बाकी मैं इसको देख रहा हूँ इंडेक्स को कहाँ से क्या कर रहा है। बाकी यहाँ में मैंने एंट्री ली नहीं, ये बेस्ट चीज़ थी कि 5 मिनट का एक कैंडल देख सकते हो, इसने रेंज की ब्रेकआउट ही। लेकिन लेकिन यहाँ में चार्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ में बहुत मतलब बायर स्ट्रांग है ही नहीं। हम लोग एक रेंज में, जो रेंज में भूलूंगा नहीं कभी भी। तो यहाँ से दो चीज़ें हो सकती हैं, एक चीज़ है फ्लैग पैटर्न, फ्लैग तो मुझे दिख नहीं रहा है कि फ्लैग यहाँ से कुछ फ्लैग हो या फिर कुछ भी पैटर्न हो। यहाँ से ब्रेकआउट बहुत चांसेस कम है, बायर्स को ऊपर की ओर 45,200 के आसपास क्लोजिंग देगा तो ही हम लोगों को कुछ ऊपर का मोमेंटम मिलेगा। बाकी नीचे का मोमेंटम में चांसेस ज़्यादा हैं अभी के लिए, जो चार्ट प्राइस बता रहा है कि नीचे की ओर प्राइस बहुत ही आसपास है। अगर नीचे की ओर जाना होगा तो ईजी होगा, ऊपर की ओर जाने में बहुत मेहनत लगेगी बायर्स को, न्यू बायर्स आने पड़ेंगे। और 45,200 में क्लोजिंग देता है तो सेलर्स भागेंगे और बायर्स आएंगे, सिंपल सी बात है। और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो अभी उतना मोमेंटम हमको मिलेगा नहीं। या हमें यही चीज़ में बता रहा था, रुको कहाँ गया चार्ट, ये देखो, इसी को कहते हैं ऐसे रेंज मार्केट जिसमें ऑप्शन बायर की ऐसी लगती है कि ऑप्शन बायर का कैपिटल ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो कोर्सेस नहीं ट्रेडर्स, यहाँ में एक्सपीरियंस आपको पे करेगा, ठीक है, जो भी पे करना होगा। तो एक लाइव ट्रेड का वीडियो तो हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, बाकी का हो सकता है हम लोग करें ना करें। तो मैंने आप लोगों को अपनी व्यू बता दी मार्केट में, कैसे मैं क्या देख रहा हूँ, चार्ट कैसे देख रहा हूँ, सारा कुछ बता दिया। तो मिलते हैं ऑप्शन बायर्स हम लोग बाद में, कुछ बेटर वीडियो आइडियाज़ मिलेंगी तो हम लोग बनाएंगे, ठीक है।